श्योपुर जिला चिकित्सालय में 25 नवंबर से 27 नवंबर तक सांसद नेत्र शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जहां आयोजन से पूर्व जिला चिकित्सालय में सैटमैप कंपनी द्वारा नियुक्त 2 दर्जन से भी अधिक सफाई कर्मियों ने हाथ खड़े करते हुए काम बंद कर दिया है। वहीं सफाई कर्मियों द्वारा समय पर वेतन भुगतान और वेतन विसंगतियों को दूर किए जाने की मांग की जा रही है, जहां अपनी मांगों को लेकर सफाई कर्मियों ने काम बंद कर दिए हैं और बीएमओ कार्यालय पहुंचे, जहां सफाई कर्मियों द्वारा बताया गया कि सैटमैप कंपनी द्वारा पीएफ कटौती कर हमें 8,962 रुपये का भुगतान किया जा रहा था, जहां सैटमैप कंपनी द्वारा सफाई कर्मियों, ऑक्सीजन प्लांट और ASNCU वार्ड बॉय गार्ड आदि कर्मचारियों को विगत 2-3 माह से 8,962 के स्थान पर 6,610 रुपये का भुगतान किया जा रहा है। वहीं विगत माह का वेतन भी कंपनी ने अभी तक भुगतान नहीं किया है। जब तक हमारे वेतन का भुगतान और वेतन विसंगतियों को दूर नहीं किया जाता, तब तक हमारा काम बंद रहेगा। वहीं सफाई कर्मियों ने काम बंद किए जाने की सूचना के बाद जिला चिकित्सालय पहुंचे शैपुर तहसीलदार श्री जैन ने भी सफाई कर्मियों को समझाने की कोशिश की और कहा कि इस माह से 28 तारीख को विगत माह का वेतन दिलाए जाने की बात कही है, मगर सफाई कर्मी अपनी जिद पर अड़े रहे। वहीं बीएमओ डॉक्टर सिकरवार का कहना है कि नेत्र शिविर के अवसर पर लाभ उठाने के लिए सफाईकर्मी मुद्दा उठा रहे हैं। फिलहाल सफाईकर्मी अपनी जिद पर अड़े हैं। अब देखना ये होगा कि सफाईकर्मी अगर काम पर नहीं लौटते हैं तो कल से शुरू होने वाले सांसद नेत्र शिविर में साफ सफाई को लेकर जिला चिकित्सालय में इंतजाम को लेकर क्या कुछ खास निर्णय लिए जाते हैं, इसका तो कल सांसद नेत्र शिविर के प्रारंभ होने के बाद ही पता चल पाएगा। श्योपुर से संवाददाता गोविंद गर्ग की रिपोर्ट। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम भारत खरे। भारत खरे जी, किस पद पे हो यहाँ पे? हम सफाई कर्मचारी के पद पर, यानी कंपनी की ओर से आप सफाई कर्मचारी हैं। किस मामले को लेकर के आप सिविल सर्जन के पास पहुँचे थे और क्या समाधान हुआ, क्या बातचीत हुई? हम इस मामले में को लेकर यहाँ पे आए हैं कि हम तनख्वाह के लिए परेशान थे और तनख्वाह को लेकर ये परेशानी है, तो कंपनी वाले से हमारी कोई ये पता नहीं हुई थी कि हमें 26 दिन के पैसे दिए जाएंगे। हमें 30 दिन का बोला गया था, उसमें 2 दिन का ऑफ दिया जाएगा और बाकी तुम्हें 30 दिन की पेमेंट दी जाएगी और PF अलग होगा, है ना। उसके बाद हमारी जो 1 महीने की सैलरी अभी आई है वो कट पिट के आई है, किसी के 4 आए, किसी के 5 आए, किसी के 3 आए। तो हमारा निर्णय ये है कि हमारी अभी की जो कट के आई है उसका पूरा भुगतान हो जाए, जो 1 महीने की सैलरी रुकी है उसका भुगतान हो जाए, तभी हम काम कर पाएंगे यहाँ पे, वरना कोई काम नहीं होगा यहाँ। सिविल सर्जन का क्या कहना है इस मामले में? सिविल सर्जन केवल आश्वासन दे रहे और कुछ भी नहीं है। ये आश्वासन अच्छा, यानी ये जो पेमेंट आपका कटा था ये पहले आपका तय नहीं था? तो किस मामले का पेमेंट काटा गया था और क्यों काटा गया था, कुछ जानकारी है आपको? नहीं, कोई पता नहीं है। हमारा तो यही जानकारी है कि तुम्हें 7,962 रुपए ऐसे मिलेंगे और बाकी 1 महीने की पहले मिले भी आप लोगों को। इस महीने कंपनी ने पैसा काट के आपको भुगतान किया, और पिछले महीने भी काटा था और ये महीने भी काटा है। तो अब आपका क्या कहना, क्या करना चाहेंगे आप? पूरी तनख्वाह भाई, बस हमारा तो ये काटा था 1,300 रुपए में छूट रहे हैं। हमारा तो ये कहना है कि हमारी जो पैसा कट के आया है इसका भुगतान हो जाए, जो सैलरी रुकी हुई 1 महीने की इसके भुगतान हो जाए, हम मिलती भी आ जाएंगे, टाइम से पेमेंट मिलती रहे, बस हमारा तो ये कहना। तो यानी जब तक आपको भुगतान नहीं होगा और आपका कटा पैसा नहीं मिलेगा तब तक आप काम में नहीं लौटेंगे? काम नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, तब तक नहीं लौटेंगे? हमारी हड़ताली है, हम अपनी इच्छा से ड्यूटी छोड़ रहे हैं और हड़ताल सारे के सारे सब काम छोड़ चुके हैं। काम छोड़ ड्यूटी है आप लोगों की, यानी आप तो अपना हक मांग रहे हैं, अपने हक के लिए जो है मांग कर रहे हैं कि जब तक अपना हक नहीं मिलेगा तब तक आप लोग वापस काम पे नहीं लौटेंगे। सर, क्या मामला था हॉस्पिटल में और क्या किन शिकायतों के चलते आप यहाँ पधारे हैं? जो जिला अस्पताल में सफाई कर्मी हैं जो सेट मैप के थ्रू ये अनुबंधित हैं और इनकी अभी वेतन का समस्या आ रही थी, इनको माह अक्टूबर की वेतन नहीं मिल पाई है किन्हीं कारणों से, उस संबंध में अभी मेरे सामने ही CS साहब ने अभी बात की है वहाँ और संभवतः कल तक उनकी सैलरी उनके अकाउंट में पहुँच जाएगी। कुछ थोड़ा सा प्रोसीजर कुछ आ रहा था अंतर, वो चेक हो गया और वो सॉल्व भी हो गया है, तो कल तक उनकी वेतन मिल जाएगी। तो क्या माना जाए कि कल वो काम पे लौट जाएंगे? ये अभी उन लोगों को हमने आश्वासन भी दिया है कि भाई आपके हम लोग सब हित में ही सब लोग कार्य कर रहे हैं और आपका कल तक निराकरण हो जाएगा, और उनसे हम लोगों ने आग्रह भी किया है कि चूंकि हमारे यहाँ एक महत्वपूर्ण आयोजन हो रहा है ऐसे समय पर सबको सहयोग करना है, और उनसे अपेक्षा भी हम लोगों ने की है कि भाई आप करें और आपका कल तक इसका निराकरण हो जाएगा।